दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप में नए हैं और अगर आपको फोटोशॉप में कम नॉलेज है तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं एकदम प्रोफेशनल लेवल की। क्योंकि आज हम आपको इजी स्टेप में बताएंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, किस साइज में फोटो बननी चाहिए पासपोर्ट साइज की, और कैसे आप उसको A4 या 4:6 में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं उस लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए आपको कोई भी फोटोशॉप का वर्जन ओपन करना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप 7 का यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको उस फोटो को लाना है जिस फोटो को आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास इस फोल्डर में ये एक फोटो है। तो इस फोटो को हम सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस प्रकार से ओपन कर लेंगे। अगर ओपन नहीं करना आता है तो यहाँ पर भी आप फाइल में जाके यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जाएंगे, आप अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने फोटो को ओपन कर लेंगे। चलिए, हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया कि आप पासपोर्ट साइज फोटो ओपन कैसे कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पॉलीगनल लेजो टूल मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप बड़े ही आसानी से आप अपना किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको विंडो में चले जाना है और यहाँ से आपको लेयर पैनल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस पॉलीगनल लेजो टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 पिक्सल या 1 पिक्सल का एक फेदर ले लेना है। मैं यहाँ पे 1 पिक्सल का ले लेता हूँ। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल इस जो लेयर आप देख पा रहे हो इसमें एक बैकग्राउंड लेयर है, तो इसका एक कॉपी बना लेंगे। कंट्रोल जे करेंगे, यहाँ से आपका एक कॉपी बन जाएगा। अब जो भी वर्क होगा हमारा इसी बैकग्राउंड के अंदर काम होगा। तभी हम नीचे वाले को हाइड कर देता हूँ और यहाँ से अभी मैं अपना बैकग्राउंड को रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको अपने फोटो को कुछ इस प्रकार से साइड बाय साइड इसको क्रॉप करते जाना है, यानी कि इसको कट करते जाना है। तो इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके फिर से यहाँ पे इस छोर को मिला देंगे और एंड डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस रहेगा कि हम अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर लें, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप कलर को फिल कर सकते हैं। तभी हम फटाफट से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसको बारी आता है इसको क्रॉप करने की, तो इसको सबसे पहले हम क्रॉप कर लेते हैं। अब क्रॉप करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टूल्स बार में जाना होगा। टूल्स बार में आपको क्रॉप टूल दिखेगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एडिट में क्या करना है, एडिट में आपको 1.2 लेना है और आपको यहाँ हाइट में आपको 1.45 ले लेना है, ठीक है। और रेजुलेशन आप यहां से 300 ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहां पे क्रॉप टूल को चला देना है इस फोटो के अंदर। फोटो के ऊपर जैसे ही आप इस क्रॉप टूल को चलाएंगे तो यहां पे कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक ये क्रॉप का जो है साइज उतने साइज मिलेगा जितना आपने साइज क्रॉप में डाले हो। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको जितना भी एरिया को लेना है फोटो पासपोर्ट साइज के लिए उतना आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका फोटो क्रॉप हो जाएगा। तो अभी ये हमारा पासपोर्ट साइज में डिफाइंड हो चुका है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पे फेस को गोरा करना है। तो फेस को गोरा करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले कंट्रोल M प्रेस करना है, यहाँ से आपका कर्व्स खुल जाएगा। उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ से ग्राफ को तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ जाएगा। अब इसका अगर थोड़ा सा फेस को व्हाइट करना चाहते हो तो सिंपली इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, उसके बाद सेलेक्टिव कलर और यहाँ से आपको यहाँ पे ले लेना है येल्लो कलर और इसको इस प्रकार से लेकर के जाएंगे तो आपका थोड़ा सा फोटो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद नेचुरल्स को हल्का सा यहाँ पे बढ़ाएंगे, हल्का से यहाँ से इसको बढ़ा देना है या आप घटा सकते हो, या और ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि यहाँ से आपका हेयर वगैरह जहाँ भी जो चीज़ हो थोड़ा हल्का ब्लैक हो जाए, ठीक है। ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हल्का बढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल L प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका लेवल्स खुल जाएगा। यहाँ पर 3 हैंडल्स मिलेगा आपको, तो कुछ इस प्रकार से आगे पीछे करके देख लेना है आपको कि आपके फोटो में क्या शूट कर रहा है। तो उस प्रकार से आप यहाँ पे करने के बाद ये आपका फोटो बेसिक तरीका से क्लीन हो चुका है। अब ये पासपोर्ट साइज के लिए इतना क्लीन काफ़ी है, ज़्यादा क्लीन नहीं होता है पासपोर्ट साइज का फोटो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे वाला बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको नीचे में एडजस्टमेंट टूल मिलेगा और यहाँ से सॉलिड कलर मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी सॉलिड कलर ले लेना है जो कि आपके पासपोर्ट साइज में शूट करे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक लाइट यहाँ पे स्काई कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये बैकग्राउंड हो चुका है। अगर आप बैकग्राउंड को दोबारा चेंज करना चाहते हो तो लेयर में इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा ये बैकग्राउंड सही है, ठीक है। तो अभी मैं इसी को ले लेता हूँ।
उसके बाद अब बारी आता है कि ये हमारा इतना पासपोर्ट साइज बन गया, लेकिन अब इसको हम पासपोर्ट साइज फोटो को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप इसको A4 में प्रिंट करना चाहते हैं तो अभी हम आपको तरीका बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको लेयर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैटन इमेज पे कर देना है, तो ये आपका एक लेयर बन जाएगा। अभी आप इस फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू में क्लिक करना है, और न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टम साइज में क्लिक करना है, और यहाँ से A4 सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको रेजुलेशन 300 रखना है। 300 रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने पासपोर्ट साइज फोटो का रेजुलेशन यहाँ पे 300 दिया था, इसीलिए हम इसको भी 300 रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे A4 पेपर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पर आएंगे इस पेज में और कंट्रोल B कर देंगे, और उसके बाद इसमें एक बॉर्डर लगाना है। तो आपको क्या करना है, Alt-ES प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ से आपको बॉर्डर में 2 पिक्सल ले लेना है, और 2 या आप 5 पिक्सल ले सकते हो, मैं यहाँ से 5 पिक्सल ले लेता हूँ। उसके बाद फोटो को इस प्रकार से पेज को बड़ा करेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो कि आपका फोटो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल J प्रेस करना है, यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक कॉपी बन जाएगा। कंट्रोल T करेंगे, और यहाँ पे कीबोर्ड में जो एरो की होता है उसकी मदद से इसको साइड में कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेता हूँ कि इसका एरिया ठीक है, तभी इसको हमने इतना दूरी पे कर दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद T को प्रेस करते जाना है, यहाँ पर आपका फोटो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे पकड़ के आपको एक साथ यहाँ पे लेयर में देखेंगे, सभी को एक साथ लिंक कर देंगे बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के, और कंट्रोल T करेंगे तो इसको आप इस प्रकार से साइड में यहाँ पे या सेंटर में ले जा करके इस प्रकार से छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमेटिक से यहाँ पर आपका ये फोटो बन जाएगा। अभी आप चाहो तो इसको यहाँ पे फाइल में जाएंगे, और यहाँ पर आप इसको या तो आप इस प्रकार से कंट्रोल P दबाएंगे, पेज सेटअप करेंगे, इस प्रकार से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको और भी फोटो नीचे बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने लिंक किया है कंट्रोल E करेंगे, एक लेयर बन जाएगा, और उसके बाद अल्ट शिफ्ट को दबा के रखना है, इस प्रकार से इसे नीचे कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो दूसरा लेयर भी बन के तैयार हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं, और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था पासपोर्ट साइज बनाने का फुल प्रोसेस। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।